इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, हंसने वाले और मजाक उड़ाने वाले लोगों की परवाह मत कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तब यही लोग आपकी नकल करने लगेंगे। आज की तारीख 8 अगस्त 2023, आज का वार है मंगलवार। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, गुजराती संवत 2079 और कली संवत 5125 चल रहा है। आज श्रावण अधिक माह का 23वां दिवस है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3:52 अगले दिन सुबह तक रहेगी, तदुपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 5:46 सुबह, सूर्यास्त का समय रहेगा 7:08 शाम को। आज चंद्रोदय का समय 11:36 रात्रि को होने वाला है और चंद्रास्त का समय होगा 12:38 दोपहर को। आज चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, आज सूर्य कर्क राशि में विराजमान है और आज का सूर्य नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है। आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र में 1:32 अगले दिन सुबह तक रहेंगे, इसके बाद चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जिन लोगों के नाम अक्षर ली, लू, ले और ला से शुरू होते हैं, ऐसे लोग होते हैं भरणी नक्षत्र वाले। इनकी राशि होती है मेष, राशि स्वामी मंगल और तत्व होता है अग्नि। गण इनका रहता है मनुष्य का नाड़ी आदि, नक्षत्र देवता यम और स्वभाव से उग्र होते हैं। आज का पहला कर्ण बालव 3:57 दोपहर तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण कोलव 3:52 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 8 तारीख आज श्रावण चतुर्थ मंगला व्रत कालाष्टमी, 9 अगस्त को मासिक कार्तिकाई, 10 अगस्त को रोहिणी व्रत और 12 अगस्त को होगा परमा एकादशी का व्रत। आज का योग गंड 4:42 शाम तक रहने वाला है, इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल है, किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए। आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा ना करें, बहुत ही आवश्यक होने पर गुड़ और आटे से बने व्यंजन का सेवन करें, इससे दिशाशूल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है, तब यात्रा प्रारंभ करें। आइए जानते हैं गंड योग के बारे में। इस योग में किए गए कार्य में हमेशा अड़चने ही पैदा होंगी और कार्य कभी भी सफल नहीं होगा और ना ही कोई मामला कभी हल होने वाला है, मामला उलझता ही जाएगा। इस योग में किया गया कार्य इस तरह से उलझता है कि व्यक्ति सुलझाते सुलझाते थक जाता है लेकिन कभी मामला हल नहीं हो पाता, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गंड योग को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 12:00 दोपहर से 12:54 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त का समय 2:41 दोपहर से 3:35 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:20 सुबह से 5:02 सुबह तक रहने वाला है। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 3:47 दोपहर से 5:27 शाम तक रहेगा। यमगण काल का समय 9:06 सुबह से 10:46 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, राहु काल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नए कार्य प्रारंभ न करें। आज के अन्य शुभ योगों में से अमृतकालम योग 8:41 शाम से 10:18 रात्रि तक रहने वाले हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा 1:32 मध्यरात्रि से 5:47 अगले दिन सुबह तक। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ।
तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।